हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर डीजे न्यूज एंड टेक्नोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त फारूक मंसूरी। आज हम बात करेंगे एम्पलीफायर की, जो कि अराल्ड ऑडियो कंपनी का एम्पलीफायर है। और मॉडल की बात करें तो CA20 मॉडल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले करना क्या है आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस एम्पलीफायर की, जो कि अराल्ड ऑडियो कंपनी का एम्पलीफायर है। 6000 वाट का एम्पलीफायर है, 4 ओम पे ऑपरेटिंग होती है, 900 उसकी डैम्पिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी वेट है इसके अंदर, 35 kg के समथिंग इसका वेट है। ये तो हो गया इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में, और बाकी आपको फिर से मैं इसको दिखा देता हूँ। इसका बॉक्स जो ये कवर है इसका हटा के आपको इसके अंदर क्या क्या स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं और किस तरीके का इसमें जो चैनल है या बैंक बोलते हैं वो किस तरीके का लगा हुआ है, क्या ट्रांसफार्मर प्योर कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, ये भी मैं आपको आज बताऊँगा। तो चलिए पहले इसके जो फीचर्स हैं आगे के वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कंपनी की। तो कंपनी आप देख सकते हैं अराल्डो ऑडियो का ये एम्पलीफायर है। कंपनी काफ़ी पुरानी है, जानी पहचानी है और काफ़ी इसके प्रोडक्ट भी आते हैं। और मॉडल की बात करें तो मॉडल आप देख सकते हैं CA20 इसका मॉडल है। 6000 वाट का ये एम्पलीफायर है और 4 ओम पे ये ऑपरेट होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर भी आपको बीच बीच में भी बताता रहूँगा। तो आप बात करें इसके तो डूल है, यानी कि दो चैनल का ये एम्पलीफायर है। दोनों के अलग अलग चैनल हैं, यानी कि एक ही चैनल पे दो ऑपरेट हो जाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दोनों का अलग अलग है, वो बाकी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो आप खुद देख लेना। और IS हॉल्क मार्क आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक अच्छे वह है। अगर आपके पास IS है तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है, भारत सरकार से ही मिलता है। और आप ये भी देख सकते हैं जाली काफ़ी अच्छी हैवी दी गई है, ताकि जो इसकी एयर या हीटिंग जो है वो बाहर निकले। इसमें फ़ैन लगा हुआ है। हैंडल की बात करें काफ़ी मजबूत हैंडल दिए गए हैं। होल पास आपको ये देखने को मिल रहे हैं, ये इसमें आप नट लगा के अपनी पेटी में इसको बोल्ट नट लगा के अपने पेटी में इसको डाल सकते हैं। काफ़ी हैवी सेट है। और अब बात करते हैं इसके, ये LED आप देख रहे हैं, ये LED का क्या रोल है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लिपिंग, सिग्नल प्रोटेक्शन, एक्टिव और पावर, ये इंडिकेशन दी गई हैं, ताकि आप इसको सेट को किस तरीके से ऑपरेट करना है इसके बारे में ये दी गई हैं। इसी से आपको समझना है कि किस तरीके से हमारा सेट चल रहा है और क्या इसमें दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ये लाइटें जलने लग रही हैं। और बात करें इसके स्विच की तो आप देख सकते हैं इसका जो स्विच है काफ़ी बढ़िया दिया गया है। ये सेंटर स्विच बोलते हैं इसको, और पावर स्विच है, इसको ऑन करेंगे ऑफ़ करेंगे तो इसी से आपका सेट ऑन ऑफ होगा। क्लास H का ये एम्पलीफायर है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ अभी तो फ़िलहाल मेरे समझ में तो अच्छी ठीक आई है। बाकी इसको ओपन करके देखेंगे, फिर इसको हम देखेंगे कि किस तरीके का सेट है। टॉप पे चला सकते हैं हम इसे या बेस पे चला सकते हैं। चलिए इसके बैक, इसकी फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग देख सकते हैं, फिनिशिंग भी बहुत ठीक ठाक दी गई है। ये लंबा सेट है, बड़ा सेट है, एक सी 20 में छोटा आता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, छोटा जो होगा उसकी क्वालिटी लो होती है, यानी कि वाटेज भी कम होता है, बताते हैं उसे ज़्यादा ही। चलिए फिलहाल इसके बैक साइड की भी बात करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले टॉप की बात करें, टॉप काफ़ी हैवी दिया गया, मजबूत है, और लीड वायर भी काफ़ी मजबूत दी गई है। कम से कम 2-3 मीटर की इसकी वायर है। यहाँ आप देखेंगे फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ भी ज़रूरी होता है। बाय द वे आपका सेट में स्पार्किंग हो रही है तो आपका फ्यूज़ उड़ जाता है, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आउटपुट। तो आउटपुट के लिए आप देख सकते हैं स्पीकॉन और टर्मिनल दिए गए हैं। अगर स्पीकॉन आपके लूज़ हो जाए तो फटाफट खोल के इसको टर्मिनल में लगा के आप अपना प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। दोनों की आउटपुट अलग अलग है। अब आ जाते हैं इनपुट के लिए। इनपुट जो है ये आपके मिक्सर में लग जाती है, या आप इसको यहाँ से दूसरे एम्पलीफायर में भी अटैच करके चला सकते हैं, यानी कि अगर किसी दूसरे एम्पलीफायर को अटैच करना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। अब फ़ैन की बात करें तो फ़ैन देख सकते हैं आप, दो फैन एक साइड में, दो फ्रंट में, यानी चार फैन में ये है। और अब बात करें ये स्विच, तो आप देख सकते हैं ये दो 6 स्विच जो हैं
इनका भी काम बहुत अहम रोल होता है इनका भी, जैसे कि सेंसिविटी कम ज़्यादा करना है, आपके स्पीकर हल्के हैं तो उससे कम ज़्यादा करके आप चला सकते हैं। मोड मोड की बात करें तो इसमें ब्रिज पेलर स्टूडियो करके चला सकते हैं आप, और ये दो हैं बाईपास, यानी कि आपका हाई पास लो पास, यानी कि इसमें क्रॉसओवर डबल क्रॉसओवर है, आपको क्रॉसओवर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक क्रॉसओवर पे आपका अलग सिस्टम चलेगा, एक पे अलग चलेगा, यानी कि अगर आपको ऑन करना है एक क्रॉसओवर और एक क्रॉसओवर ऑफ करना है, यानी कि एक पे बेस लगानी है एक पे टॉप लगानी है, दोनों अलग अलग काम करेंगे। ग्राउंडिंग अलग देखने को आपको यहाँ मिलेगी, लिमिटर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ग्राउंडिंग का काम ये होता है कि जो आपके अगर जनरेटर से चलाते हैं तो हल्के से स्पार्किंग टाइप की झंझनाहट टाप होती है तो उसे ऑन कर देंगे तो नहीं होगी। लिमिटर ऑन करने से सेट अपनी मर्ज़ी से चलेगा और ऑफ़ करने से आपकी मर्ज़ी से चलेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। काफ़ी बढ़िया जो फीचर्स हैं ये हैं, और बाकी मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसका जो कवर है वो हटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी जो चैनल हैं दोनों के अलग अलग हैं, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके ट्रांसफार्मर कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, तो आप देख सकते हैं प्योर कॉपर का ये ट्रांसफार्मर है, और पूरा ही जो वाटेज होनी चाहिए जो एम्पियर होनी चाहिए वही उसका पूरा आपको ये ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। फिल्टर की बात करें तो फिल्टर भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े फिल्टर दिए गए हैं, देख सकते हैं भी आप कितने लंबे लंबे फिल्टर हैं, 15,000 UHF का ये काफ़ी हैवी फिल्टर है। और सर्किट भी ठीक ठाक है, नॉर्मल सर्किट है, कहीं भी आप इसे रिपेयर करवा सकते हैं। फ़ैन जैसे मैंने आपको बोले थे चार फैन लगे हुए हैं, चारों के चारों हैं, और आपको मैंने ये भी बता दिया है कॉपर का है ट्रांसफार्मर, ये भी बता दिया है। और चैनल की बात करें तो चैनल आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 24 का ये पेयर है और 24 का ये है। इसमें से 20 भी आता है छोटे चैनल उसमें चैनल में, लेकिन ये बड़े चैनल है तो उसकी वाटेज भी ठीक ठाक है और आउटपुट भी ठीक ठीक आएगी। तो चलिए इसको एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको लगा दिया है और ये फिर प्लग है, तो ये पावर ऑन हो चुकी है। अब इसको मैं दबाता हूँ तो ये देख सकते हैं एक टिप की लाइट जलेगी, ये पोर्टेक्स की लाइट जल रही है अभी, जब तक ये लाल बत्ती बंद नहीं होगी जब तक आपका सेट चलेगा नहीं। अभी ये आपका सेट चलने के लिए तैयार हो चुका है, आप इस पर लोड डालिए और चलाइए इसको, और इसी से ही आपका ये दोबारा बंद करेंगे और तो ये बंद हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब तक ये लाल बत्ती बंद नहीं होगी जब तक आपको सेट नहीं चलाना बिल्कुल भी। तो जैसे कि मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, बाकी अगर कुछ और रह गया है या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। आप प्राइस सोच रहे होंगे प्राइस कितना होगा, तो मैं आपको फिर बता दूं, डिस्प्ले पे मैं आपको नंबर दूंगा, आप उनसे कॉल कीजिए, उनसे प्राइस पूछ सकते हैं। और पूरी इंडिया के अंदर आप इसको कहीं से भी कहीं भी मंगवा सकते हैं और हर जगह ये आपको मिल जाएगा। तो इनकी फिर भी आपको इनकी जो शॉप है वो मैं बता देता हूँ, 1663 भाईगराज पहले चांदनी चौक दिल्ली में इनकी शॉप है, आप अगर वहाँ से भी मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इसको मंगवा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।